हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों राजस्थान भारत और पूरी दुनिया का सबसे अलग राज्य है और क्या होता अगर राजस्थान एक अलग देश होता। तो इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। वैसे पूरे इंडिया में राजस्थान साइज के मामले में नंबर 1 पर आता है। इसका पूरा एरिया 342,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर राजस्थान एक अलग देश होता तो ये 63वां सबसे बड़ा देश होता और कई सारे देश जैसे नेपाल, इटली, मलेशिया, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड से भी बड़ा देश होता। तो राजस्थान को कम बिल्कुल भी मत समझना। अगर राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करें तो 2018 तक इसकी जनसंख्या 7.5 करोड़ थी। पॉपुलेशन के मामले में राजस्थान भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया में जनसंख्या के मामले में 20वां सबसे बड़ा देश होता। अगर कंपेयर करें कि किन किन देशों से राजस्थान की पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो वो है यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, स्पेन, कैनेडा, इटली, फ्रांस, अफगानिस्तान, थाईलैंड और सऊदी अरेबिया। राजस्थान की लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पढ़े लिखों की संख्या 66.1% है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी कई देशों को मात दे सकती है। भाषाओं की बात करें तो राजस्थान में भी कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी, वागड़ी, पंजाबी, भीली और उर्दू बोली जाती है राजस्थान में। अगर राजस्थान एक अलग देश होता तो राजस्थान का पड़ोसी देश पाकिस्तान होता, क्योंकि राजस्थान की एक सीमा का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है और इसीलिए राजस्थान को एक पावरफुल आर्मी की ज़रूरत पड़ती जो अपने देशवासियों की रक्षा कर सके। पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो भारत भी राजस्थान का पड़ोसी देश होता, पर भारत से राजस्थान को कोई खतरा नहीं होता। राजस्थान की राष्ट्रीय चिन्हों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पशु चिंकारा और ऊँट है, राष्ट्रीय पक्षी गोडावन यानी सोन चिड़िया है और राष्ट्रीय फूल रोहिड़ा है, राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी। ये सभी अभी राजस्थान के स्टेट सिंबल है, यही एक देश के नाते नेशन सिंबल होते। राजस्थान में खेले जाने वाले खेलों में क्रिकेट, पोलो, हॉर्स राइडिंग, बास्केटबॉल और शूटिंग है और नेशनल्स गेम्स में हॉकी नहीं बल्कि बास्केटबॉल होता, क्योंकि यही राजस्थान का स्टेट गेम है। करेंसी की अगर हम बात करें तो भारत के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर होती है, पर राजस्थान में कई फेमस हस्तियां हुई है जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, मीराबाई, पृथ्वीराज चौहान, राजा मान सिंह, जमनालाल बजाज और घनश्याम दास बिरला। तो राजस्थान के नोटों पर इन्हीं में से किसी की एक तस्वीर होती। बात करें राजस्थान की GDP की तो वो है लगभग 9.58 लाख करोड़ भारतीय रुपए और 130 बिलियन US डॉलर, जो कि बहुत है और कई देशों को GDP के मामले में राजस्थान पीछे छोड़ता है। दोस्तों, राजस्थान भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जो कभी भी भारत से अलग नहीं होगा। इस वीडियो का मकसद केवल राजस्थान की इम्पोर्टेंस बतानी थी। जय हिंद, जय भारत।